अचानक हुए लॉकडाउन से दूर काम कर रहे मजदूरों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। ट्रेन और बसों के संचालन ना होने की वजह से ये लोग अपने घरों के लिए पैदल ही निकल पड़े। इन मजदूरों का कहना है कि ये उत्तराखंड में काम करते हैं और इन्हें शाहजहांपुर जाना है। पैदल आते देख रास्ते में पुलिस द्वारा इन्हें पीटा भी गया। इन मजदूरों ने बरेली पहुंचकर डीआईजी राजेश पांडे से मदद की गुहार लगाई। डीआईजी ने बगैर देरी किए इन लोगों के लिए खाना मुहैया कराया और घर तक पहुंचने के लिए वाहन का भी इंतजाम कराया। इसके बाद ये लोग डीआईजी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। सही आपको तो मतलब एक समाधान मिल जाए तो उस पर निकल जाऊँ, कोई सवारी साधन मिल जाए। देहरादून से आए तो मारा मेरे को पुलिस वालों ने, डंडे डंडे मार दिए थे वहाँ गाड़ी वालों ने, और किसी ने बोला और रास्ते। सरकार को क्या संदेश देंगे इस बीच में आप? सरकार को ये संदेश है कि घर तक पहुँचा दे, हमारा कोई ना करें। हम मजदूर आदमी, हमको मारे तो क्या मिल जाएगा। कितने लोग आप लोग आ रहे हैं? मैं 9 लोग हूँ। अच्छा, क्या देहरादून में क्या करते थे आप? मजदूरी करते थे।